नमस्कार भाई दोस्तों, एक देश एक कानून, एक मीडिया जो सबका दुख दर्द दिखाती है ना। लेकिन उस मीडिया को कितना दुख दर्द होता है, खास करके जब कोई सिख, कोई पंजाबी, कोई इतिहास रच देता है, बहुत दुख होता है इस मीडिया को। ये दिखाना पसंद नहीं करती। लेकिन आप विदेशों के अखबार उठा के देखो, चाहे वाशिंगटन डीसी हो, जिसको खुद ये गोदी मीडिया पढ़ती रहती है कि इसमें किसी भारतीय का नाम आ जाए, किसी भारतीय का नाम आ जाए, पढ़ती रहती है, ताकि फिर ये पूरे दिन उस न्यूज़ को तलाश करे, देखो वाशिंगटन डीसी में छपा है। लेकिन वाशिंगटन डीसी में न्यूज छप रही है सिखों की न्यूज छप रही है। कल के परसों के अखबार उठा के देखिए आप, वाशिंगटन डीसी में सिख छाए हुए हैं। सिख कैसे छाए हुए हैं पता है? चाहे आप वो जो सबसे बड़ा फेस्टिवल लेते हैं ना, जिसको सबसे बड़ा फेस्टिवल कहते हैं, आज तो कोई भारतीय पहुंचा ही नहीं वहां पे, जहां पे दलजीत दोसांझ प्रोग्राम करके आया है। उससे भी बड़ी चीज बताएंगे आपको, बताएंगे नहीं सिर्फ दिखाएंगे। सबसे पहले जो साथी नया जुड़ता है, ऑफिशियल दीपक फौजी यूट्यूब चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को दबाना, वीडियो को शेयर करने की जिम्मेवारी आपकी है, आपके सामने हक और सत रखने की जिम्मेवारी हमारी है। कोचेला फेस्टिवल में पहुंच गया दलजीत दोसांझ, जिसकी टिकट होती है, टिकट 50,000 से 1,00,000 रुपये तक बिकती है। वहां पर लोगों को टिकट नहीं मिल पाई वहां पे, और लोगों ने बताया इतनी भीड़ थी कि भीड़ बाहर तक खड़ी रहेगी थी, लेकिन अंदर कौन था। और दूसरी बात कि उसमें यह नहीं लिखा गया कि एक भारतीय आया है। यहाँ पे दिक्कत थी असली, उन्होंने बोला कि एक पंजाबी सिंगर, बहुत बड़ा सिंगर आया है, पंजाबी बोल दिया, तकलीफ शुरू होगी। जिस वर्ल्ड बैंक से अगर भारत को कर्जा मिल जाता ना, वर्ल्ड बैंक से कर्जा मिल जाता, गोदी मीडिया तांडव नृत्य करती, देखिए वर्ल्ड बैंक से कर्जा मंजूर हो गया, उसी वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष पद पर कौन बैठ गया, वो भी दिखाएंगे आपको। अजय बंगा जानते हो क्या, बताया क्या गोदी मीडिया, कार्यभार संभाल लिया उस बंदे ने, तुमने दिखाया, लेकिन वाशिंगटन डीसी के अखबार में आया। उसके बाद आप ये ले लीजिए, दूसरी बात, इस साल का ऑस्कर जीतने के लिए पंजाबी का नाम था एक अमन मान और दूसरा था गुनीत मोगा। कल बीबीसी ने गुनीत मोगा में इंटरव्यू था, वो गुरुद्वारा साहिब की तारीफ कर रही थी। ऑस्कर लेकर हरमिंदर साहिब आई, तकलीफ तो और बढ़नी थी हरमिंदर साहिब आई, क्योंकि श्री हरमिंदर साहिब को ये तो बदनाम करने पर लगे हुए हैं, और वो ऑस्कर अवार्ड लेकर श्री हरमिंदर साहिब में आई है, तकलीफ तो होनी थी। उन्होंने वहाँ पे गुरु साहिब की तारीफ की। इनके नीचे जाकर कमेंट देखना, जो उसका मोगा का जो इंटरव्यू आया था ना, उस लड़की का, गुनीत मोगा का, उसके इंटरव्यू में नीचे देखना, कमेंट देखना इनके, ये जो नफरती चिंटू होते हैं ना, इनके कमेंट देखना कितने खराब हैं। अब सबसे बड़ा काम जो हो गया, उसे भी पहले जो ऑस्कर अवार्ड मिला था ना, जो गाना सलमडॉग मिलेनियम, वो गाना भी गुनीत मोगा ने गाया था, वो आपको बाद की बात है, पहले आपको ना ये सुनाते हैं। सच में यार दलजीत दोसांझ है ना, बंदा बड़ा कमाल का है। इसने क्या गाया क्या वहाँ पे पता है? सबसे पहले तो आप यही सुन लीजिए, जो तकलीफ बढ़ाता है गोदी मीडिया की, विशेष तौर पे पता नहीं क्यों तकलीफ बढ़ जाती है इनकी, ये देखो। कमाल कर दिया बंदे, मेरा स्ट्रीम लिखा गया, पंजाबी आ गया। कमाल का बंदा है यार ये, किसान आंदोलन में पूरा सहयोग किया था बंदे ने, पंजाबी आ गया कुछ। और वहां पे इस बंदे ने जो श्रद्धांजलि दी, वो श्रद्धांजलि क्यों नहीं दिखाई, आपको दिखानी चाहिए थी कि वो श्रद्धांजलि किसको दी है इस बंदे ने। वहां पे तो समझो इस बंदे ने रिकॉर्ड ही तोड़ दिया, इन बातों से तकलीफ हुई। कोशिश करिए एक दूजे दे उंगला ना चकिए, एक दा सबूत दईए, क्योंकि सानू वंडन वाले तो पहले ही बहुत है। और बैठे हैं वो, बैठे हैं, पहले बहुत जोर लगा है सानू वंडन ने, सो आपस ना लड़िए। सो जिन्ना नाम किसका आएगा उना ले, ओ मूसे वाला नाम दिला उते लिखया, सिद्धू मूसे वाला कमाल। अब वर्ल्ड बैंक के सीईओ का चार्ज संभाल लिया, किसने संभाला, आपको बड़ी तकलीफ हुई, आपने दिखाया नहीं, चलो दिखा देते हैं। अजय बंगा जो जिन्होंने अभी फिलहाल चार्ज संभाला है, इनको तकलीफ है ना, असली तकलीफ तो ये यहाँ पे हो रही है। ये है अजय बंगा, वर्ल्ड बैंक के सीईओ का चार्ज संभाला है। इसके लिए क्या बोला जो बाइडेन ने क्या बोला अमेरिका के राष्ट्रपति ने, और यानी कि इसने ऐसे ही चार्ज संभाल लिया होगा। 4 घंटे तक इंटरव्यू चला बंदे का, कि वर्ल्ड बैंक के सीईओ का चार्ज है, वर्ल्ड बैंक के सीईओ का, कोई ऐसे वैसे चार्ज नहीं था। उसके 4 घंटे इंटरव्यू चला है, तब कार्यभार संभाला, कल कार्यभार संभाला है,
ठीक है, मास्टर कार्ड के पूर्व सीईओ भी रहे हैं अजय बंगा, इसके 5 साल के लिए चुना गया वर्ल्ड बैंक का सीईओ, कहा जलवायु परिवर्तन और अन्य वैश्विक संकटों से निपटने के लिए ऋणदाता को पुनर्जीवित करने के लिए भारतीय मूल के वित्त और विकास विशेषज्ञ का बहुत जरूरी था आना। इससे पहले भी एक बार अगर आपको पता हो ना, अमेरिका के अंदर मंदी छाई थी, 90 के दशक की बात कर रहे हैं, मंदी छाई थी अमेरिका के अंदर, अमेरिका की समझ में नहीं आया था किस मंदी से कैसे निपटा जाए, तब पता उन्होंने किसको बुलाया था, किसको बुलाया था, पूर्व भारत के प्रधानमंत्री बहुत बड़े अर्थशास्त्री सरदार मनमोहन सिंह जी को बुलाया था उस आर्थिक वैश्विकता से निपटने के लिए, उस मंदी से निपटने के लिए कि अब बताओ हमारे को हम कैसे इससे निपट सकते हैं, वहां पर तब सरदार मनमोहन सिंह गए थे। और आप क्या सोच रहे हो, क्या पावर करते हो, आप क्या दिखाते हो, क्या हो सरदारों के बारे में, आप ये बताओ क्या दिखाया आपने, कुछ दिखाया? फरवरी के अंत में अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने घोषणा की थी कि विश्व के प्रमुख डेविड मलपास का एक अर्थशास्त्री और पूर्व अमेरिकी ट्रेजरी अधिकारी जिन्होंने ट्रंप प्रशासन में सेवा की थी उसको बदलने के लिए एकमात्र दावेदार थे। विश्व बैंक बोर्ड के सदस्यों ने सोमवार को अजीत बंगा का 4 घंटे तक साक्षात्कार किया, इंटरव्यू किया 4 घंटे तक। तुम तो 4 मिनट नहीं बोल पाओगे, हिंदू मुसलमान भारत पाकिस्तान मंदिर फलाना धकड़ा इससे अलग तुम 4 मिनट बोल सकते हो, 4 मिनट बोलने में तुम्हारे पसीने निकल जाएंगे, 4 घंटे तक अगले का इंटरव्यू होया है। और यहाँ पर अब न्यूज़ आ जाओ कि भारत को वर्ल्ड बैंक कर्जा देगा, पूरी गोदी मीडिया लग जाएगी, वर्ल्ड बैंक से देखो कर्जा मिलने वाला है, और एक वर्ल्ड बैंक की सबसे बड़ी कुर्सी पर जाकर बैठ गया एक सिख, प्राउड की बात नहीं है क्या, है या नहीं है बताना एक बार, प्राउड की बात नहीं है, बहुत बड़े प्राउड की बात है। भारत में पैदा हुआ था वो, भारत में हुआ था 2007 से ही तो अमेरिकी नागरिक है ना, अजय बंगा की बात हो रही है, 2007 से ही तो है वो, उससे पहले तो पैदा तो भारत में ही हुए थे ना, फिर क्यों इतनी नफरत, क्यों फिर अजय बंगा से इतनी नफरत क्यों? और एक जो कभी भारत में पैदा होने जिसके माँ बाप भी पैदा नहीं हुए उसको बस सिर्फ एशिया मूल का भारत से जोड़ के ये देखो अमेरिका राष्ट्रपति बनेगा भारतीय मूल का है, उस पर तुम बड़ा तांडव नृत्य कर देते हो, फिर बोलते हो एक देश एक कानून, प्रधानमंत्री तक के हत्यारों को छोड़ दिया जाता है, बलात्कारियों को इच्छों को कह के छोड़ दिया जाता है, संस्कारी बलात्कारी है, लेकिन जैसे ही बात आती है बंदी सिंह को गिरी आई की तो पता नहीं कैसे सांप सूंघ जाता सभी को, चुपचाप हो जाते सभी, नहीं अब कोई नहीं बोलेगा, बस क्यों नहीं दिखा रहे, इतने दिन से मोहल्ले में मोर्चा लगा हुआ है, दिखाया क्या, नहीं दिखाया, ये तकलीफ है यहाँ इनको, जो ये सिखों की जो बढ़ती हुई ताकत है ना इससे घबरा रहे हैं, ये जलते हैं जलिस जलिस बोलते हैं इसको, घबरा रहे हो तुम, ये नहीं तुम नफरत नहीं करते, तुम घबराए हुए हो क्योंकि ये दिल्ली भीख में दे रखी तुम्हारे को, अगर वापिस इन्होंने अपने अधिकार मांग लिए तो तुम तो गए, तुम्हारी तो लंका लग गई, लंका लग जाएगी तुम्हारी, ये राज करना जानते हैं, राज करना भी जानते हो, राज देना भी जानते हैं, अगर ये देना जानते हैं तो लेना भी जानते हैं, इतना ध्यान रखना, ये याद रखना इस बात को, आप वीडियो को इतना ज़्यादा ज़्यादा शेयर कर देना, ये नहीं दिखाएंगे लेकिन हम दिखाएंगे आपको, और आज वीडियो को शेयर देखते कितने साथी करेंगे यही देखना, हमारे कितने साथी वीडियो को शेयर करते हैं, खुश हैं भाई, हम बड़े खुश हैं जे सिख आए दिन एक नई उपलब्धि हासिल करते हैं, आए दिन एक नई उपलब्धि हासिल करते हैं, हम बड़े खुश हैं क्योंकि हम संयुक्त पंजाब का हिस्सा समझते हैं अपने आप को, इसलिए हम खुश हैं, किसी को खुशी हो रही या नहीं हो रही, नाम तो वहाँ पर भारत का ही होता है ना, भारत का नाम होता या नहीं होता ये बताओ, तुम्हारे पता नहीं कौन सी दिक्कत, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है, तो तुम्हारा प्रॉब्लम रहेगी जिंदगी भर। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर देना मेरे दोस्तों, जितने साथी जुड़े हुए सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को जरूर दबाना ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे। ऑफिशियल दीपक भोजी यूट्यूब चैनल, बात ठाकुर सच की होगी, बात वो होगी जो गोदी मीडिया नहीं दिखाएगा लेकिन हम आपको दिखाएंगे, जो पहलवानों के साथ करें आप वो भी सबको पता है। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।